आईआर एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स यानी कि वाक्यों और उसके जो प्रकार है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का जो समूह जो एक पूर्ण सेंस बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इट बिगन्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, उसके अंत में फुल स्टॉप आता है या फिर क्वेश्चन मार्क आता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो उसके एग्जांपल देखते हैं हम। बड़ौदा इज अ क्लीन सिटी, तो यहाँ पे सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है अंत में फुल स्टॉप है। When did you go to Baroda? यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है अंत में क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे थर्ड, How beautiful the peacock is? उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है। ओके? तो इस तरह से जो शब्द के समूह है जो एक पूर्ण तरह से सेंस बनाते हैं, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं और उसके अंत में या फिर फुल स्टॉप होता है या फिर क्वेश्चन मार्क होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शंस। हम जो वाक्य है उनको दो सेक्शन में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसे हम देखेंगे, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि स्वीकारात्मक या फिर कथात्मक जो सेंटेंस है जो हमें किसी के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस है जो हमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो आज्ञा सूचक जो प्रश्न है, जो कोई कमांड रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस हमें देते हैं। बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो जिसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और पांचवा जो टाइप है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो हमारी कोई इच्छा विज को एक्सप्रेस करता है। ओके? तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। अभी जो दूसरा सेक्शन है उसे हम देखेंगे। तो दूसरे सेक्शन में हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो हकार पॉजिटिव सेंटेंस है वो, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी जो नकार सेंटेंस है वो, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो, और उसके बाद है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जो प्रश्न प्रश्न नकार वाक्य है वो। जो फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग। जो असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो हमें किसी के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज इज अ वेरी गुड सिंगर, ही इज अ ग्रेट राइटर, सी वॉज ए ग्रेट पेंटर। ओके, ये सब जो सेंटेंसेस है हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, इसलिए हम उसे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो दूसरा जो टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमें प्रश्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? आर यू अ साइंटिस्ट, क्या आप वैज्ञानिक हो? ओके, इस तरह से कोई भी प्रश्न हमें पूछा जाता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक जो सेंटेंस है उसे, उसकी डेफिनेशन। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड या मींस ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या करते हैं, वो कोई आदेश ऑर्डर या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई एडवाइस देते हैं। जो उसके एग्जांपल हम देखेंगे, तो फर्स्ट, कंप्लीट द वर्क एंड रिपोर्ट टू मी, काम पूर्ण करो और उसको उसका मेरे को रिपोर्ट करो। ओके, यहाँ पे कमांड हो गया, आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया। दूसरा है प्लीज गेट मी समथिंग टू ड्रिंक, यहाँ पे रिक्वेस्ट हुई।
प्लीज आप मेरे लिए कुछ पीने को ड्रिंक्स लेके आओ। और तीसरा है, टेक अ टैबलेट 2 टाइम्स अ डे। आपको ये टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, यहाँ पे एडवाइस हो गए। ओके, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस या फिर ऑर्डर देता है या फिर रिक्वेस्ट करता है या फिर एडवाइस देता है, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो जिसे हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, जो हमारे अंदर जो एकाएक जो फीलिंग या इमोशन आते हैं उसे जो एक्सप्रेस करता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, जो हम फूल देख गया और वो बहुत ही सुंदर लगता है, तो भी हम ऐसा बोलते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है। अलास सी इज गॉन, अरे वो गई। ओके, इस तरह से कोई भी सडन फीलिंग हमारे में आती है, उसे हम एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, तब जाके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो हमारी जो इच्छा विश इसको जो जिसको एक्सप्रेस करता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश ब्लेस प्रे कर्स एक्सेट्रा। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो विश, कोई इच्छा हमारी हो या फिर ब्लेस या फिर हमारा जो आशीर्वाद है या फिर प्रे या कोई प्रार्थना है, कर्ष यानी कि श्राप एक्सेट्रा, ऐसी कोई फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे। ओके, यहाँ पे ब्लेसिंग है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, यहाँ पे हम उसको शुभेच्छा विश करते हैं। ओके, बाद में मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी जिंदगी जियो। ओके, यहाँ पे इस तरह से कोई ना कोई विश या फिर कोई ब्लीस या ब्लीजिंग या फिर कोई प्रे या कोई कर्ष को जो एक्सप्रेस करता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया हमने काइंड्स का, सेंटेंस का जो है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, वो एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो उसके जो उदाहरण है यहाँ पे, वी प्ले चेस एवरी डे, हम हर रोज चेस खेलते हैं। सी स्पीक्स फ्रेंच वेल, अच्छे से फ्रेंच वो बोलती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यू आर अ क्लेवर बॉय। ओके, तो ये क्या हो गए, ये अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट आता है, नॉट आने की वजह से वो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे देखो, वी डू नॉट प्ले चेस एवरी डे। ओके, हम चेस हर रोज नहीं खेलते। सी डज नॉट स्पीक फ्रेंच वेल, वो फ्रेंच अच्छे से नहीं बोलती। द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट, ओके, सन जो है वेस्ट में सेट नहीं होता। यू आर नॉट अ क्लियर बॉय, आप क्लियर बॉय नहीं हो। ओके, इस सभी सेंटेंस में नॉट आता है, इसलिए वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न वाक्य, डू वी प्ले चेस एवरी डे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या हम हर रोज चेस खेलते हैं। डज सी स्पीक वेल फ्रेंच, क्या वो अच्छे से फ्रेंच बोलती है। डज द सन सेट इन द वेस्ट, क्या सन वेस्ट में सेट होता है। आर यू अ क्लियर बॉय, ओके, और अंत में जो क्वेश्चन मार्क आता है, इसी कारण से वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, और उसके बाद है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो यानी प्रश्न और नेगेटिव नकार, प्रश्न नकार वाक्य हम इसे कहते हैं। उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ नकार सेंटेंस मीन्स नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, डोंट वी प्ले चेस एवरी डे, क्या हम हर रोज चेस नहीं खेलते। डजंट सी स्पीक वेल फ्रेंच, क्या वो अच्छे से फ्रेंच नहीं बोलती। डजंट द सन सेट इन द वेस्ट, क्या सूरज वेस्ट में सेट नहीं होता है। Aren't you a clear boy? क्या आप clear boy नहीं हो? Okay? तो इस तरह से intro negative sentence बनते हैं। तो ये थे sentence और उसके जो types थे, उसको हमने दो दो section में divide किए। Okay?